आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर के थाना रामकोट इलाके से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध अवस्था में एक युवक का सड़क के किनारे शव मिला है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए चलते अपने आई इंडिया के रामकोट संवाददाता संतोष के पास। तो संतोष बताए, ये शव कहां मिला है रामकोट इलाके में और किसका है? जी सर, निशांत जी आपको बता दे की एक मामला ये है, भवापुर रामकोट से थाने से 3 किलोमीटर की दूरी पे गांव पड़ता है, वहां पे हरदोई सीतापुर मार्ग के किनारे बिल्कुल एक अज्ञात युवक का शव पड़ा पाया गया है झाड़ियों में। जहां पर ग्रामीणों की सूचना पर जब शौच के लिए ग्रामीण निकले तो देखा कि एक शव छत बिछत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसकी साल भी अलग पड़ी हुई है और उसकी जो पैंट पहने है जींस की नीले कलर की वो खुली पड़ी हुई है। जब ग्रामीणों ने इसको देखा तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी की और उस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामकोट थाना प्रभारी बलवंत सिंह शाही से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी युवक की पहचान नहीं हो पाई। ये बताया क्या युवक जो है जिसकी पहचान नहीं हो पाई, उसके आसपास कोई संदिग्ध अवस्था में या कोई उसकी चोटिल होने के निशान कुछ है, इस तरह की कोई सूचना? जी, उसके शरीर पे कुछ अभी तो चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसका जो ठंड की वजह से एकदम सिकुड़ गए पैर और हाथ उसके सिकुड़े हुए हैं और गड्ढे में पड़ा हुआ मिला है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है इंडिया पर इस वक्त कि हरदोई और सीतापुर मार्ग पर थाना रामकोट इलाके के भौवापुर गांव के पास एक सड़क किनारे के युवक का शव मिलता है। जैसे ही सुबह जो है ग्रामीण शौच के लिए जाते हैं खेतों में, तभी वो देखते हैं एक शव को, तो पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर रामकोट के पुलिस पहुंचती है और शव को पहचान कराने के लिए आसपास पूछताछ भी करती है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त कराई जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।